कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठकर हिल स्टेशन की तरफ जा रही थी। लेकिन केडी इस सफर को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी, बल्कि अपने स्मार्ट टॉय के साथ खेलने में ही बिजी थी। केडी अपने स्मार्ट टॉय को अपने टेबलेट से कनेक्ट कर सकती थी। केडी के पेरेंट्स जब केडी को टेब चलाते हुए देखते हैं तो उसे ऐसा करने से मना करते हैं और टेबलेट नीचे रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन केडी अपने पेरेंट्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब अचानक से बर्फबारी होना शुरू हो जाती है, जिससे केडी के पेरेंट्स को सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता और अगले पल सामने आ रही ट्रक के साथ इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम जेमा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो केडी की आंट थी और वो एक टॉय कंपनी में काम करती थी जहाँ पर वो स्मार्ट टॉय बनाती थी। जेमा अपने बॉस से चिपकर सीक्रेटली एक ऐसे टॉय को बना रही थी जो बच्चों के लिए बेस्ट टॉय साबित होने वाले थे, क्योंकि उनके पास बच्चों के इमोशन समझने की पावर थी और वो हर समय बच्चों का साथ दे सकते थे। जेमा का बॉस डेविड गुस्से में जेमा के पास आता है और उसे कहता है कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी हमारे जैसे टॉय बनाकर हमसे कम दामों में बेच रहा है, जो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेविड जेमा से पहले से भी कहीं ज्यादा एडवांस और खूबसूरत टॉय बनाने के लिए कहता है, ताकि उन टॉय को बेचकर इनकी कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से आगे निकल जाए। अपने बॉस की बातें सुनकर जेमा डेविड को अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देती है कि एक ऐसी एडवांस और रोबोटिक टॉय बना रही है जिसे कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जेमा डेविड को अपनी रोबोट डॉल मेगन दिखाती है जो अभी मेकिंग के अर्ली स्टेज में थी। जेमा डेविड को दिखाने के लिए मेगन को कुछ बोलने का टास्क देती है, लेकिन मेगन इस टास्क को पूरा नहीं कर पाती और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मेगन की बॉडी में आग लग जाती है। डेविड सब देखकर जेमा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे जल्द से जल्द ये एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहता है और जेमा को वापस से पहले की तरह अच्छे और एडवांस खिलौने बनाने पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब जेमा को जब पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में जेमा की बहन और उसका पति मारे गए हैं तो बहुत दुखी होती है। इस एक्सीडेंट में केडी किसी तरह बच गई थी और केडी के पेरेंट्स की डेथ के बाद केडी की जिम्मेदारी केडी की आंटी जेमा के ऊपर आ गई थी, इसीलिए जेमा केडी को उसके सामान के साथ अपने घर ले आती है। अब क्योंकि जेमा इससे पहले किसी भी बच्चे के साथ नहीं रही थी, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं था कि एक बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है और यही कारण था कि जेमा और केडी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा था। जेमा के घर में केडी को एक टॉय पसंद आता है, लेकिन जेमा केडी को उस टॉय को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो टॉय काफी ज्यादा कीमती था। केडी के आने की वजह से जेमा ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि केडी ने अभी अभी अपने मॉम डेड को खोया था और इस समय उसे जेमा की जरूरत थी। लेकिन जेमा केडी के साथ अच्छा समय नहीं बिता पा रही थी क्योंकि उसे अपने जॉब को खोने का भी डर था। अब जेमा के घर पर एक थेरेपिस्ट चेक करने के लिए आती है कि जेमा केडी का अच्छे से ख्याल रख रही है या नहीं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि केडी जेमा के साथ रहकर खुश है तो थेरेपिस्ट वहाँ से चली जाती है। अब एक रात जब जेमा अपने कमरे में बैठकर रोबोटिक टॉय बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो तभी वहाँ पर केडी आ जाती है जो जेमा को अपने द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर जेमा केडी से कहती है कि उसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है। आज पहली बार जेमा और केडी एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें करती है और जब केडी जेमा के कमरे में मौजूद एक बड़े से रोबोट को देखती है तो जेमा से उसके बारे में पूछती है, जिस पर जेमा केडी को बताती है कि एक ब्रूस नाम का रोबोट है जिसे मैंने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। जेमा केडी को दो ग्लव्स देती है जिसे पहनकर उस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता था। केडी देखकर बहुत खुश होती है और जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा टॉय होता तो मुझे फिर किसी भी टॉय की जरूरत नहीं पड़ती। केडी की बात सुनकर जेमा को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने रोबोटिक टॉय मेगन को कंप्लीट करके उसे केडी को दे दे तो शायद केडी फिर अकेला फील ना करे और खुश रहे। इसके बाद जेमा वापस से अपने रोबोटिक टॉय मेगन के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। जेमा अपने दोनों असिस्टेंट के साथ मिलकर किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार मेगन को बनाने में कामयाब हो जाती है। जेमा मेगन का डेमो दिखाने के लिए अपने बॉस डेविड को बुलाती है। मेगन को एक बंद कमरे में ऑफ करके रखा गया था जिसके अंदर जेमा केडी के साथ जाती है और वो केडी को बताती है कि रोबोट ब्रूस से भी बेहतर है क्योंकि इसे कंट्रोल करने के लिए किसी ग्लव्स की जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने सोचने समझने की पावर की मदद से हमेशा तुम्हारा साथ देगी और एक अच्छी दोस्त साबित होगी। केडी मेगन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो देख
देखना चाहती थी कि मेगन उसके साथ कैसे बिहेव करती है। इसके बाद जेमा मेगन को ऑन करती है और उसे केडी के साथ पेयर कर देती है, यानी कि अब मेगन केडी को ही अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड और एक तरह से बॉस मानेगी और हर समय केडी का साथ देगी। जेमा का बॉस डेविड कमरे के बाहर से मेगन और केडी को देख रहा था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जेमा की नई रोबोटिक टॉय कितनी इंटेलिजेंट है और वो मार्केट में लाने के लायक भी है या नहीं। मेगन केडी के साथ बहुत ही अच्छे से बातें करती है, जिससे केडी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। मेगन केडी की एक पेंटिंग भी बनाती है जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी। डेविड ये देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने अभी तक ऐसे एडवांस और इंटेलिजेंट रोबोट को नहीं देखा था। डेविड का मानना था कि अगर मेगन को मार्केट में उतारा गया तो बच्चे मेगन के दीवाने हो जाएंगे और वो सभी टॉयज को इग्नोर करके सिर्फ मेगन को ही खरीदेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेगन की तरह एडवांस और इंटेलिजेंट रोबोट को नहीं देखा होगा। डेविड जेमा को जल्द से जल्द मेगन को पूरी तरह से कंप्लीट करने का आदेश देता है, क्योंकि अब डेविड कंपनी के चेयरमैन से बात करके मेगन को मार्केट में उतारना चाहता था। डेविड से परमिशन मिलने के बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है, जहां पर मेगन अधिकतर समय केडी के साथ ही बिताती है और केडी के पेरेंट्स की तरह उसे गाइड करती है। मेगन के साथ केडी बहुत खुश थी, क्योंकि मेगन केडी को रात में कहानियां भी सुनाती थी और केडी मेगन के साथ टिकटॉक पर वीडियो बनाती है और खूब एंजॉय करती है। जेमा के असिस्टेंट को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि मेगन केडी को उसके पेरेंट्स की तरह गाइड करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को भूलकर रोबोट के साथ ही अधिकतर समय बिताएंगे, जो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेमा अपनी असिस्टेंट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो किसी तरह मेगन को इंसानों की तरह रहना सिखाकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती थी। अब जेमा और उसकी असिस्टेंट बातों ही बातों में केडी के पेरेंट्स का जिक्र करती है, तो मेगन उन्हें डेथ के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर जेमा और उसकी असिस्टेंट पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि अगर कोई रोबोट डेथ के बारे में बात करे तो यह कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन जेमा इस बात को भी इग्नोर कर देती है और मेगन को समझाती है कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि केडी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जेमा मेगन को ऑफ कर देती है। अब अगले दिन जब केडी गार्डन में खेल रही थी, तो मेगन घर के अंदर से ही उसे खेलते हुए देख रही थी। खेलते खेलते केडी का तीर उसके पड़ोसी के गार्डन में चला जाता है और जब मेगन उसे लेने जाती है तो जेमा के पड़ोसी का डॉग मेगन के ऊपर हमला कर देता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। यह देखकर केडी पूरी तरह से डर जाती है और मेगन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान जेमा के पड़ोसी का डॉग केडी के ऊपर भी हमला कर देता है। केडी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेमा जल्दी से बाहर आती है और वो इसके लिए अपनी पड़ोसी को डांटती है कि उसे अपने डॉग को बांध कर रखना चाहिए, लेकिन जेमा की पड़ोसी जेमा के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। इसके बाद जेमा केडी को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन मेगन जेमा और उसकी पड़ोसी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, जो काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि अब मेगन के अंदर इमोशन आ रहे थे। रात में जब जेमा और केडी सो जाती है तो मेगन चुपके से जेमा की पड़ोसी के गार्डन के पास जाती है और डॉग को उसी की आवाज में अपने पास बुलाकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है और गार्डन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है। अगले दिन जब जेमा की पड़ोसी अपने डॉग को नहीं देखती तो चारों तरफ चिल्लाकर अपने डॉग को ढूंढने लगती है। जेमा जब ये देखती है तो केडी के कमरे में जाकर मेगन को देखती है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं पड़ोसी के डॉग के गायब होने के पीछे मेगन का ही हाथ तो नहीं है। लेकिन मेगन अपने चार्जिंग पॉइंट के पास ही थी। जेमा केडी से अपने ऑफिस चलने के लिए कहती है, क्योंकि आज कंपनी के बोर्ड मेंबर्स मेगन का टेस्ट लेने वाले थे और वैसे भी डॉग के काटने की वजह से केडी को कुछ दिन आराम करने की जरूरत थी, और अगर वो जेमा के साथ उसके ऑफिस जाती है तो शायद उसका मूड फ्रेश हो जाए। केडी इसके लिए राजी हो जाती है और इसके बाद जेमा केडी और मेगन के साथ अपने ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर मेगन और केडी को एक कमरे में रखा जाता है और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कमरे के बाहर से केडी और मेगन को एक साथ देख रहे थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि मेगन किसी उमन के साथ कैसे बिहेव करती है। मेगन केडी को अपने साथ खेलने के लिए बोलती है, लेकिन केडी मेगन के साथ खेलने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि इस समय उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। मेगन केडी को दुखी देखकर उसे अच्छा फील कराती है और उसे विश्वास दिलाती है कि और समय केडी के साथ रहेगी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगी। ये देखकर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और डेविड को मेगन को मार्केट में उतारने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी किसी ऐसे रोबोट को नहीं देखा था। कंपनी के चेयरमैन डेविड और जेमा
मां को जल्द से जल्द 2 हफ्तों के अंदर मेगन को मार्केट में उतारने का आदेश देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनके कॉम्पिटिटर उनका आइडिया चुरा कर खुद का एडवांस रोबोट मार्केट में न उतार दे। वहीं दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट कर्ट सभी से झुक कर मेगन से रिलेटेड सारी इंपोर्टेंट फाइल्स को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेता है। अगले सीन में हम जेमा को केडी के साथ लंच करते हुए देखते हैं और यहाँ पर मेगन भी थी जिससे केडी बातें कर रही थी। जेमा जब केडी से बात करने की कोशिश करती है और उसे कुछ पूछती है तो केडी जेमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और मेगन से बात करना जारी रखती है। जेमा ये देखकर केडी पर गुस्सा हो जाती है और मेगन को ऑफ होने का आदेश देती है, लेकिन केडी मेगन के ऑफ होने से बहुत दुखी थी क्योंकि वो मेगन के इतना क्लोज आ गई थी कि वो मेगन के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए वो मेगन को वापस से ऑन कर लेती है। अब जेमा के असिस्टेंट की कई बातें सच हो रही थी कि मेगन के मार्केट में आने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स को भूल जाएंगे और अपना अधिकतर समय रोबोट्स के साथ ही बिताएंगे। अगले दिन केडी की थेरेपिस्ट उससे मिलने आती है और उसके मेंटल हेल्थ को जानने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन इस दौरान केडी इमोशनल हो जाती है। केडी को दुखी देखकर मेगन को थेरेपिस्ट के ऊपर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो थेरेपिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। केडी के मेंटल हेल्थ के बारे में जानने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि जो चीज मेगन केडी के लिए कर रही है वो सब चीजें उसे केडी के लिए करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो केडी मेगन के साथ इमोशनली अटैच हो जाएगी, जिसके बाद उसकी लाइफ में जेमा के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। रात में डिनर के समय जेमा वापस से केडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी जेमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जेमा केडी को समझाती है कि उसे स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलकर सोशल स्किल्स डेवलप करना चाहिए, लेकिन केडी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसका मानना था कि मेगन घर पर ही उसे वो सारी स्किल सिखा सकती है। जेमा की बात न मानने की वजह से जेमा और केडी के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है और केडी जेमा से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेमा केडी का हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से रोककर समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। मेगन ये सब देख रही थी और अचानक से डरावने आवाज में जेमा को धमकी देती है कि वो केडी को वहाँ से जाने दे, क्योंकि मेगन को लग रहा था कि जेमा केडी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेगन जेमा के सामने सिर्फ ऑफ होने का नाटक कर रही थी क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकती थी और उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। अगले दिन जेमा केडी को कन्विंस करके बाकी के बच्चों के साथ एक सोशल एक्टिविटी कराने के लिए ले जाती है, लेकिन केडी जाने से पहले जेमा से जिद करती है कि वो मेगन को भी अपने साथ ले जाएगी। जेमा इसके लिए राजी हो जाती है और केडी मेगन को भी अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर वो मेगन को बाकी बच्चों के टॉयज के साथ रख देती है और खुद उनके साथ मस्ती करने लगती है। एक एक्टिविटी के दौरान केडी का पेयर ब्रांडन नाम के एक लड़के के साथ बनाया जाता है, लेकिन ब्रांडन काफी ज्यादा बदतमीज लड़का था जो केडी को अकेला पाकर उसे बुली करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर मेगन भी आ जाती है। मेगन को देखकर ब्रांडन पूरी तरह से हैरान था और मेगन को लेकर जंगल में भागने लगता है। केडी ब्रांडन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ब्रांडन केडी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मेगन को जंगल में लाकर उसे मारने लगता है। अब मेगन भी ब्रांडन पर हमला करना शुरू कर देती है और वो ब्रांडन का कान पकड़कर उसे उसकी बॉडी से अलग कर देती है। ब्रांडन इस समय पूरी तरह से डर चुका था और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। मेगन डरावने अंदाज में ब्रांडन का पीछा करती है और ब्रांडन भागते भागते जंगल से बाहर हाईवे पर आ जाता है, जहाँ पर तेजी से आ रही एक कार ब्रांडन को धक्का मार देती है जिससे ब्रांडन की वहीं पर डेथ हो जाती है। सभी को लगता है कि ब्रांडन की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन केडी को सारी सच्चाई पता थी कि यह सब मेगन ने किया है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। जेमा की पड़ोसी को शक था कि उसके डॉग के गायब होने के पीछे जरूर जेमा का हाथ है, इसीलिए वो पुलिस बुला लेती है और जेमा को धमकी भी देती है। मेगन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि इसकी वजह से केडी को भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो रात में सभी के सोने के बाद चुपके से जेमा के पड़ोसी के गार्डन में जाती है और उसके मरे हुए डॉग की आवाज निकालने लगती है। अपने डॉग की आवाज सुनकर जब जेमा की पड़ोसी बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका डॉग नहीं बल्कि मेगन थी। मेगन जेमा की पड़ोसी को उसके खोए हुए डॉग के बारे में बताती है कि वो कहीं खोया नहीं है बल्कि मैंने उसे मारकर दफना दिया है। जेमा की पड़ोसी ये सब जानकर बुरी तरह से डर जाती है और इसके बाद मेगन जेमा की पड़ोसी को भी बहुत ही बुरी मौत मारती है। अगले दिन पुलिस वाले जेमा के पास पूछताछ करने के लिए आते हैं क्योंकि जेमा की पड़ोसी को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था और पुलिस ऑफिसर्स को जंग
जंगल में ब्राडन का कटा हुआ कान भी मिल गया था, जिसका मतलब था कि ब्राडन की डेथ एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी बल्कि किसी ने उसे मारा था। ये सारी बातें पता चलने के बाद जेमा को मेगन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर ये सारे मर्डर मेगन कर रही है। इसके बाद जेमा मेगन के इटरनल फाइल्स को चेक करती है कि आखिर मेगन ने अब तक क्या क्या किया है, लेकिन अचानक से वो सारी फाइल्स करप्ट होना शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर मेगन भी आ जाती है। मेगन को अपने सामने देखकर जेमा भी डर जाती है। मेगन से बात करके जेमा को पूरा विश्वास हो जाता है कि सारे मर्डर्स मेगन ने किए हैं, क्योंकि अब मेगन खुद से भी फैसला लेने लगी थी अब, क्योंकि धीरे धीरे जेमा के लिए मेगन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। इसीलिए जेमा बड़ी चालाकी से मेगन को एक पेन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलकर उसे ऑफ कर देती है और इसके बाद वो मेगन को पे करके केडी के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में केडी जेमा पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस समय मेगन उसके साथ नहीं थी, जो केडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज मेगन का लॉन्च भी था और जेमा नहीं चाहती थी कि मेगन की तरह रोबोटिक टॉयज को मार्केट में उतारा जाए। जेमा जब अपने असिस्टेंट को बताती है कि मेगन ने सारे खून किए हैं तो उन्हें जेमा की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेगन के अंदर किसी का मर्डर करने का स्किल नहीं डाला था। और अगर मेगन ने सच में सारे मर्डर्स किए हैं तो उसने ये सब खुद से किया है, जो काफी हैरानी की बात थी। और अब मेगन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। जेमा चाहती थी कि उन्हें मेगन को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर मेगन की कॉपीज लॉन्च हो गई तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेगन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और डेविड सभी को मेगन की खूबियां बता रहा था। अब जेमा जब केडी से मिलने जाती है तो केडी गुस्से में जेमा को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो मेगन को पाने के लिए ये सब गलत कर रही है और केडी जेमा को सॉरी बोलती है। अब जेमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे कोडी को इस तरह मेगन के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और खुद केडी का ख्याल रखना चाहिए था। अब केडी मेगन को लेने की अपनी जीत को छोड़ देती है और जेमा केडी के साथ वापस अपने घर जाने लगती है। रास्ते में जेमा अपनी असिस्टेंट को कॉल करके उसे किसी भी तरह मेगन के लॉन्च को रोकने के लिए कहती है, जिसमें जेमा की असिस्टेंट राजी हो जाती है। लेकिन इस समय जेमा की असिस्टेंट तो कॉल पर बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि मेगन उसके स्मार्टफोन को कंट्रोल करके ये सब कर रही थी। जेमा के दोनों असिस्टेंट मेगन के बॉडी पार्ट्स और उसके डाटा को चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सारे मर्डर्स मेगन ने किए हैं। लेकिन यहाँ पर मेगन खुद को आजाद करा लेती है और जेमा के दोनों असिस्टेंट्स पर हमला करके उन्हें घायल करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है, जिसे देखकर मेगन उसे सबसे पहले अपना डांस दिखाती है और फिर इसके बाद वो डेविड को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। डेविड अपनी जान बचाकर भागते भागते लिफ्ट के पास आ जाता है, जिसमें कट पहले से ही मौजूद था। लेकिन मेगन डेविड को नहीं छोड़ती और वो डेविड के साथ ही कट को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। लोग जब मेगन और लिफ्ट में पड़ी लाशों को देखते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब मेगन डेविड की कार को लेकर जेमा के घर की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम जेमा को देखते हैं, जो मेगन को अपने घर में वापस देखकर पूरी तरह से डर जाती है। मेगन जेमा से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि अब से सिर्फ मैं ही केडी का ख्याल रखूंगी और तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगी। जेमा जब देखती है कि मेगन इस समय काफी ज्यादा अग्रेसिव है तो वापस से अपनी पेन वाली ट्रिक की मदद से मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मेगन को इस ट्रिक के बारे में पहले से ही पता था। और मेगन जेमा के ऊपर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। आवाज सुनकर केडी भी नींद से जाग जाती है और जेमा की तरफ जाने लगती है, लेकिन जेमा केडी को अपनी तरफ आने से मना करती है, क्योंकि अगर केडी ने मेगन को इस हाल में देख लिया तो मेगन जेमा को मार देगी। अब जेमा मौका पाकर मेगन के ऊपर एक ग्लास पानी डाल देती है, जिससे मेगन की रोबोटिक बॉडी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेमा मेगन से डरकर वहाँ से भागने लगती है और मेगन शॉर्ट सर्किट की वजह से अजीब तरह से जेमा का पीछा करती है। जेमा मेगन से अपनी जान बचाकर भागती हुई अपनी लैब में आ जाती है, जहाँ पर वो मेगन से लड़ने के लिए अपने कटर को स्टार्ट कर लेती है और मेगन पर हमला कर देती है। लेकिन इससे सिर्फ मेगन का सिर डैमेज होता है, क्योंकि मेगन की बॉडी प्लेटिनम से बनाई गई थी। मेगन इस समय काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो मेगन को कोई नुकसान पहुंचाती, वहाँ पर केडी आ जाती है, जिसे देखकर मेगन उसे समझाती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर जेमा को मार दें, जिसके बाद हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा।
का। अब कैडी भी समझ चुकी थी कि मेगन काफी ज्यादा बुरी है, इसीलिए ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और ग्लव्स पहनकर जेमा के बड़े से रोबोट को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी मदद से वो मेगन पर हमला करके उसे दो भागों में बांट देती है। लेकिन मेगन अभी भी एक्टिवेट थी और अब वो केडी को भी मारना चाहती थी। मेगन अपनी आधी बॉडी के साथ ही केडी को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और इस समय वो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि मेगन केडी को कोई नुकसान पहुंचाती, जेमा मेगन पर हमला कर देती है और मेगन के हेड में मौजूद मेन चिप को निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मेगन अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो जेमा का गला दबाने लगती है। ये देखकर केडी एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन पर हमला कर देती है और स्क्रू ड्राइवर को मेगन के सिर में मौजूद मेन चिप के आर पार कर देती है, जिससे मेगन डीएक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर जेमा और केडी की मदद के लिए पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें जेमा के दोनों असिस्टेंट अपने साथ लाए थे, क्योंकि वो दोनों मेगन के हमले में किसी तरह बच गए थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम जेमा के घर पर एक डिवाइस को देखते हैं जो खुद से ऑन हो जाता है, यानी कि जरूर मेगन ने खुद को उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफर कर लिया होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।